हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग फिफ्थ चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट वन। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। ये हमारी प्रोज बुक का फिफ्थ चैप्टर है बेटा। प्रोज आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फिफ्थ चैप्टर कर रही है, ठीक है। वी स्टार्टेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, इंट्रो हो चुका है और काफ़ी हम 1/4 पार्ट की रीडिंग भी कर चुके हैं। बट वी डिड अप टू नाउ, अब तक हमने क्या किया है एक बार देखिए। इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमने इंट्रो किया, बिकॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, कि जो प्रोटेगोनिस्ट है वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। दैट्स वाई वी रेड आउट समथिंग रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी। देन लेटर वी स्टार्टेड रीडिंग ऑफ द चैप्टर। यहाँ से हमने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की। इन दैट वी रेड आउट रिगार्डिंग वंडा पेट्रॉन्स्की। वंडा पेट्रॉन्स्की इज अ पॉलिश गर्ल। सी यूजुअली सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम नंबर 13। शी वॉज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड, एंड वाई डिड शी सिट एट दैट प्लेस, वी ऑल्सो डिस्कस दैट थिंग, बिकॉज हर फिट ऑलवेज कवर्ड विद मड। ये भी हमने पढ़ा, वहाँ पर वो क्यों बैठती हैं। देन लेटर वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग पैगी एंड मैडी ऑल्सो। पैगी और मैडी, जो कि बहुत पैगी मेनली है, जो इंटेलिजेंट गर्ल है, प्रिटी ऑल्सो, सुंदर भी है, एंड पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, प्रिटी है, पॉपुलर गर्ल है, एंड मैडी इज़ हर फ्रेंड, और मैडी उसकी क्या है, फ्रेंड है। देन देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन, शी वॉज वंडा पेट्रॉन्स्की इज़ नॉट हैविंग एनी फ्रेंड। ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि कोई फ्रेंड नहीं है उसका, क्योंकि सबको वो स्ट्रेंज लगती है। शी अदर्स आर नॉट हैविंग, देखो यहाँ पे उसने डायरेक्ट नहीं बोला डिस्क्रिमिनेशन है, उसने यहाँ पे इस इंडिकेशन से बता दिया। शी डजंट बिलोंग टू द सेम कास्ट, सेम रेस, जस्ट लाइक टू अदर चिल्ड्रन, जिस रेस से, जिस कास्ट से दूसरे बच्चे बिलोंग करते थे, शी डजंट बिलोंग टू दैट वन। जैसे उसने कहा, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रूम नंबर 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट, उसके जैसे नेम नहीं थे, उनके शॉर्ट नेम थे। तो यहाँ पे नेम से मतलब है, शी वॉज हैविंग स्ट्रेंज नेम बिकॉज शी बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेस, दूसरी रेस से बिलोंग करती थी। दैट्स वाई शी हैड टू फेस द डिस्क्रिमिनेशन। आगे आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, उसको कोई फ्रेंड नहीं है, किसी से बात नहीं करती, और जो है ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसे बोलता नहीं है। गर्ल्स यूजुअली जब वहाँ पे स्कूल यार्ड में तब होते हैं, या स्कूल बिफोर द स्कूल आवर्स और आफ्टर द स्कूल आवर्स, अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, मेनली पैगी एंड मैडी। पैगी और मैडी का नाम वो स्पेशली बोलता है राइटर, कि मेनली पैगी और मैडी तो यूजुअली ही स्कूल से पहले, स्कूल के बाद में उससे बातें करती हैं, और क्या उसे घेर लेती हैं सारी लड़कियाँ मिलके, और उससे कुछ क्वेश्चनिंग करती हैं, क्या पूछती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। देखो आज का हमारा लेक्चर यहाँ से है, थोड़ा सा मैंने पीछे से टच करा दिया, कि सारी लड़कियां उसको घेर लेती हैं स्कूल यार्ड में, और फिर जो पैगी होती हैं, जो पॉपुलर हैं, वो उनसे पूछना शुरू करती हैं। पिक्चर में देखो आपको दिख रहा होगा कि अदर गर्ल्स हैं, और ये यहाँ पे कौन खड़ी है, वंडा खड़ी है। नाउ लिसन, व्हाट डिड सी से। वंडा, हमने जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी ना बेटा, वो लास्ट हमारी यहाँ पे फिनिश हुई थी। दिस वॉज दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। अब यहाँ से वंडा कौन कह रही है, पैगी। पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। मिस मैसन इज द नेम ऑफ टीचर। तो वो इस तरह से इतने ब्रेव मैनर में बोलती है, इतने कॉन्फिडेंट मैनर में बोलते हैं। कर्टियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉन्फिडेंट। वैसे ब्रेव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंट इज इनफ, कि बड़े ही कॉन्फिडेंट मैनर में वो बोलती हैं। एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो किससे बात करे, मिस मैसन से। एक ग्रामेटिकल थिंग भी आपको बताऊंगी, देखो शी के साथ वर लगाया, हम यूजुअली क्या लगाते हैं, शी के साथ वोज लगाते हैं, लगाते हैं ना, ये फैक्ट है ना, ग्रामर के फैक्ट, आप साथ साथ देखा करो लिटरेचर जब आप पढ़ते हो। यहाँ पे वर क्यों लगा, यहाँ पे वर इसलिए लगा बेटा, बिकॉज दिस इज पोजिशनल सेंटेंस। This type of sentence, positional. Even I told you when we did subject verb agreement. ये सिर्फ मैं आपको revise करा रही हूँ, मैं आपको subject verb agreement में बता चुकी हूँ। Positional sentence. Positional sentence किसे कहते हैं, वो sentence जो कि possible, जिसका जो उसमें condition बताई गई है वो possible ना हो, ठीक है। Impossible action, जहाँ पे आप suppose कर रहे हो वो action possible नहीं है।
जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बंडा से बात करे तो मिस मैसन से बात कर रही है? नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उस ऐसे केस में क्या होता है, स्पोजिशनल में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, डजेंट मैटर कि वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। जैसे यूजली कहते हैं इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, इफ ही वर यू, अगर वो तुम होता, मतलब वो तुम्हारी जगह होता, समझ रहे हो? तो इस केस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वर का यूज होगा। चलिए, क्या कहती थी वंडा? वंडा कहती बड़े ही ब्रेव मैनर में, बड़े कॉन्फिडेंट मैनर में, जैसे कि मिस मैसन से बात करिए वंडा, सॉरी पैगी कहती, नोट वंडा, पैगी कहती है, वो कहती वंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज, अपने फ्रेंड को एक नज देते हुए, जेंटल पुश, जैसे ऐसे ना कोहनी से एल्बो से आप टच कर रहे हो और कह रहे हैं देखना मैं अब इसके मजे लूंगी, तो इस तरह से, तो वो उसको टच करके तो अपनी फ्रेंड को फिर कहती है वंडा, टेल अस, बताओ हमें, हाउ मैनी ड्रेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉजेट, ठीक है, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी वो ड्रेसेस लटक रही हैं, कितनी ड्रेसेस टकी हुई हैं। देन वंडा रिप्लाइड 100, वंडा का रिप्लाई क्या होता, वंडा का आंसर होता 100। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली अनबिलीवेबली, बिना उस पर विश्वास करे, जैसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा 100, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप्स कोच एंड लिसन, जो वहाँ पे छोटी लड़की होती है वो जो होप्स कोच खेल रही थी, वो एकदम से उनकी इतनी मतलब सरप्राइजिंग मैनर में सारी बोलती कि वो बेचारी रुक जाती और उन सबकी बातें सुनने लग जाती। देन यह 100, तो आंसर देती कि हाँ मेरे पास कितनी है, 100 है, ऑल लाइन अब सारी लाइन में है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, मतलब उसके बाद वो साइलेंट हो जाती, चुप हो जाती। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी, पैगी कहती कि भैया सारी, मैं बिल्कुल शर्त लगा के कह सकती हूँ कि सारी सिल्क की होंगी, है ना, सिल्क उस टाइम पे ना बेटा बहुत महंगा कॉस्टली होता था, बड़ी अच्छी ड्रेस कंसिडर की जाती थी सिल्क की, इसलिए वो लड़की कह रही है कि सारी सिल्क की होंगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, आंसर जैसे वो बोल रही है वो, मतलब इन्फीरियर देखो, कॉन्फिडेंस देखो कितना ज़बरदस्त, पैगी का तो है ही है, वंडा का कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त है, वो कहती है हाँ सारी सिल्क की हैं और सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। वेलवेट टू, वो कहती है वेलवेट भी है, कहती हाँ या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, देखो यहाँ पे बड़े ही तो मतलब क्रूअल मैनर कह सकते हैं, बड़े ही उसमें इरिटेटिंग मैनर में वो उससे बोलती है कि अच्छा 100 ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, फिर वो कहती है कि हाँ 100 है, सारी लाइन में लगी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देती, वो लड़कियाँ जो उसे पूछना था पूछ लिया, फिर उसे जाने देती, एंड देन बिफोर शी वुड शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इन टू शिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, अभी उसे दूर ज़्यादा दूर वो गई नहीं होती थी उससे पहले ही, कुडंट हेल्प का मतलब होता है बेटा कुडंट स्टॉप, ठीक है, ये फ्रेज है लिख लेना, कुडंट स्टॉप ना रोक पाना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी, किस उसमें नहीं रोक पाती थी, बस्टिंग इनटू शिक्स एंड लाफ्टर, शिक्स का और फील्स आपका बेटा ये सिनोनियम है, इनका मीनिंग होता है क्राइज, ठीक है, हंसी हंसे बिना, हंसी की चीखों के बिना वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी, अभी वो ज़्यादा दूर ही नहीं जाती कि मतलब सारी हंसने लग जाती, तो ऑल स्टार्टेड टू लाफ। देन व्हाट हैपेंड, 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली क्लियरली द ओनली ड्रेस क्लियर था, जो वो देखो एक्सक्लेमेशन दे दिया राइटर ने 100, और ये क्लियर था क्लियरली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन, रियलिटी यही थी कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी, दैट वॉज ऑफ ब्लू कलर एंड शी वोर द सेम वन एवरी डे, सो वाई डिड सी से शी हैड 100, अब हम हमारे उसमें वो डालना चाह रहा है, एक सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहा है, एक मिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा है राइटर, राइटर कहता है कि भाई क्या रीज़न है कि वो फिर वहाँ पे जो है वो 100 बोल रही है, बट अ स्टोरी, क्या स्टोरी है इस बात के पीछे, हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तो अगर उसे पूछते कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तो वो कहती 60 pairs ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारे मेरे उसमें लाइन से लगे हुए हैं। अब देखो वन मोर थिंग, हियर शी डिडंट रिप्लाई 100, हियर शी रिप्लाइड 60, व्हाई डिड शी सेड 100 इन द केस ऑफ ड्रेसेस, अब ड्रेसेस के केस में उसने 100 क्यों कहा, आगे क्लियर होएगा, देखिए सुनिए,
क्राइज ऑफ एग्जेगरेट पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, बहुत जो मतलब एग्जेगरेशन की पोलाइटनेस, एग्जेगरेशन भाई इंक्रीज द वे ऑफ सेइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना, तो उसको बोलते हैं एग्जेगरेटिंग। तो पोलाइटनेस बड़ी बढ़ा चढ़ा के, जैसे कमेंट करते हैं ना, अच्छा तेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं, तो इस तरह से वो सारी ना इस चीज़ का वेलकम करती है। सॉरी लाइन में 60 पेयर्स एंड ऑल अलाइक, देखो वो पूछ रहे हैं उससे फिर से, सारे एक जैसे हैं शूज़ के रिगार्डिंग। तो कहती ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, नहीं हर एक पेयर डिफरेंट है, ऑल कलर्स अलग अलग कलर के हैं, ऑल लाइन अब सारे लाइन में हैं। पैगी हु हैड थॉट अप, अब देखो अब राइटर ने बता दिया सारा जो मजा वो ले रहे थे, हाउ डिड दे मेक फन ऑफ हर, क्वेश्चन आए बेटा यहाँ से, हाउ डिड अदर गर्ल्स मेक फन ऑफ, या पैगी एंड मेडी मेक फन ऑफ हर, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो वहाँ पे आप कहेंगे बाई रेजिंग द क्वेश्चन, बाई आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट विच, अबाउट ड्रेसेस, ठीक है ड्रेसेस के बारे में, बिकॉज यूजुअली शी वोर वन फेडेड ब्लू ड्रेस, शी नोज दैट शी इज़ नॉट हैविंग 100, सो दे मेक फन ऑफ हर बाई आस्किंग द क्वेश्चन हाउ मैनी ड्रेसेज यू हैव। चलिए शूज़ वाला भी आप डाल सकते हो उसके अंदर। अब राइटर क्या कहता है, एक रीडर के माइंड में नेगेटिव पिक्चर बन गई, आपने चैप्टर पढ़ा आपका पैगी के रिगार्डिंग कैसे पिक्चर बनी, नेगेटिव कि भी टीज कर रही है बच्चे को। नाउ इन दिस पैसेज राइटर विल क्लैरिफाई दैट शी वॉज नॉट अ बैड गर्ल, कि पैगी कोई गलत लड़की नहीं है। वो क्या कहता है देखिए, वो कहते हैं पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने कि इस पूरे गेम का इन्वेंशन हम कहें तो उसी ने किया था, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी उसकी क्या है, कभी ना सेपरेट होने वाली फ्रेंड है, मतलब फास्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड, एंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वही आखिरी होती थी कि वो वहाँ से जाती थी, सारे बच्चे चले जाते थे वो सबसे लास्ट में वहाँ से उसके पास से निकलती थी। फाइनली वंडा मूव अप द स्ट्रीट, आखिर में वंडा अपनी गली में मुड़ जाती, ठीक है, हर आईज डल, हर माउथ क्लोज्ड, आंखें बिल्कुल डल, मुंह बिल्कुल जो है वो खुला हुआ, हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी मैनर सी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, ठीक है। फिर वो वहाँ पे उसकी आंखें बिल्कुल डल, मुंह खुला हुआ, हीचिंग होता है दैट मोमेंट ऑफ शोल्डर, शोल्डर को आप ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, तो शोल्डर को ऐसे जो है वो ऊपर नीचे करते हुए बार 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 बार, और फनी मैनर में चली जा रही है, और इस तरह से वो अपना रास्ता कवर करती है, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, जो स्कूल तक का रास्ता है वो अकेले ही कवर करती है। आगे सुनिए, ये मतलब मेनली यही कहता है कि शी इज़ नॉट हैविंग एनी फ्रेंड, कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वो कहते कि अब आया वो बात कि पैगी यहाँ से नेगेटिव पिक्चर बन गई, लेकिन अब कहते कि पैगी रियल में क्रूअल नहीं है, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग बॉय आप कह सकते हैं, जिसके अंदर पावर हो, जो दूसरों को डराता हो, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं बुली, तो बुली से बच्चों को बचाती थी, छोटे बच्चों को, एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर उसने देखा ना कि किसी एनिमल के साथ बुरा बिहेव हो रहा है, उसको पीटा जा रहा है, तो वो कई कई घंटे तक रोआ करती थी, तो दीज थिंग शो दैट शी वॉज नॉट अ क्रूअल, तो इसका मतलब क्रूअल तो वो थी नहीं। तो इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा, और अगर कोई से ये भी कहता ना कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वंडा को क्रूअल मैनर में ट्रीट कर रही हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, क्रूअल बड़ी सरप्राइज हो जाती, और कहती क्रूअल मीन्स देखो क्वेश्चन क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों कहती है वो लड़की कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाइक, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है, बिकॉज शी यूजली वोर 1 ड्रेस, इफ द समवन इज हैविंग 100 ड्रेसेस व्हाई डिड दैट पर्सन विल वियर दैट ओनली 1 ड्रेस, इट्स नॉट पॉसिबल ना, सो दैट्स वाई सी सेड दैट एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाइक, कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है, मतलब अपने आप को प्रिटेंड कर रही है कि मैं गलत नहीं कर रही, व्हाई डिड सी वॉन्ट टू लाइक, क्यों झूठ बोल रही है वो, एंड वाई एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, दूसरा एक्सक्यूज देती, पहला तो उससे पूछने का रीज़न कि उसे पता था वो झूठ बोल रही है, दूसरा वो ये सोचती है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, देखो साधारण तो वो है ही, सेम स्कूल में पढ़ रही है, तो क्या ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बिल्कुल है, बट
सी बिलोंग टू पोलैंड, सी इज अ पोलिश गर्ल एंड पैगी इज एन अमेरिकन गर्ल. शी इज एन अमेरिकन एंड शी इज लिविंग इन अमेरिका. पोलिश का वो पोलिश जो है वो गर्ल वो कहाँ रह रही है, अमेरिका में. तो यहाँ पे माइनॉरिटी है सो दे कंसिडरिंग दैम डिफरेंट फ्रॉम दैम. अमेरिकन ऑटोमेटिकली उनको क्या समझते हैं, अपने आप से अलग समझते हैं. ये यहाँ से निकला है कि वो साधारण इंसान भी नहीं है, ऑर्डिनरी भी नहीं है. एंड वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा नाम क्यों है वंडा पेट्रॉन्स की, ठीक है. एंड एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई. चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसे कभी रुलाया तो नहीं है ना, हम तो ऐसे मजे ले रहे हैं, ठीक है. देखिए आगे, मीन्स अपने आप को प्रिटेंड कर रही है. तो आप पैगी के बारे में सारी नेगेटिव मत रखिए अपने माइंड में. पैगी का देखो यहाँ पे कितने पॉजिटिव बता दिए कि क्रूअल नहीं है. मैंने बताया था आपको, मैंने देखो लाइव क्लास में बोला, अभी मैं आपको कहूँगी कि आप उसके पॉइंट को ऐसे मेंशन करके फर्स्ट कि क्वालिटी ऑफ पैगी ऐसे मेंशन कर लिया गया. जब मैन लेटर यू विल रिवाइज देन यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम, बट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे. चलिए दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, वाई डिड सी डिड सो, कि उसने ऐसा क्यों किया भैया, ऐसा क्यों करती है. तो उसका रीज़न, बिकॉज सी कंसिडर हर डिफरेंट फ्रॉम दैम, बिसाइड दैट शी थिंक दैट शी टोल्ड अ लाई, दैट्स वाई सी आस्ट. आगे सुनिए, ये तो बता दिया कौन, पैगी, जो कि पॉपुलर गर्ल थी. अब राइटर किसको बताएगा हमें, मैडी के बारे में. देखिए अब मैडी के बारे में बताएगा, एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी की बात करें, दिस बिजनेस मतलब दिस टास्क जो चल रहा था अभी, जो फन उसके साथ वो कर रहे थे, मजा कर रहे थे. तो कहते हैं दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस, हाउ मैनी हैट्स, कि ये बिजनेस जो था ना ड्रेसेस वाला, हैट वाला, एंड हाउ मैनी दिस हाउ मैनी दैट, शी वॉज बोदरिंग, शी हैड वॉज बोदरिंग हर. ये मैडी को बहुत ज़्यादा क्या करता था, बोदर करता था, परेशान करता था, ठीक है, इरीटेटिंग था. शी हैड वॉज इरीटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बहुत इरीटेटिंग फील करती थी इस बिजनेस के कारण. आगे सुनिए, मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद में क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी. शी यूजअली वोर, और उसका देखो रीज़न था उसे क्यों इरीटेट करता था, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी. शी यूजअली वोर सम बडीज हैंडमेड राउन क्लोज, किसी के दिए हुए कपड़े वो डालती थी. थैंक गुडनेस She didn't live up on Bogan's height. बस ये अच्छा था उसके साथ कि वो Bogan's height में नहीं रहती थी, और have a funny name, और उसका funny name भी नहीं था. That's why nobody made fun of her. तो मेनली तो यही है, she was not Polish. ठीक है, she was not Polish. She was an American. Even she was also a poor girl. But nobody made fun of her because she was not a Polish girl. That was the thing. चलिए बस बेटा आज यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है, कल आगे इससे आगे ही करेंगे. यहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आए हैं. वैसे मैंने साथ साथ क्वेश्चंस बता दिए हैं, लेकिन फिर भी दो तीन क्वेश्चंस सुन लो. देखिए, इन व्हाट वे वाज वंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वंडा दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी. वंडा दूसरे बच्चों से अलग थी, फर्स्ट थिंग शी डिडंट बिलोंग टू अमेरिका, ठीक है, शी वॉज अ पोलिश गर्ल. इसमें बिसाइड दैट शी वॉज नॉट हैविंग शॉर्ट नेम जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, उसका नाम भी दूसरे बच्चों के जैसे छोटा नहीं था. वैसे मैं आई विल सेंड द क्वेश्चन, डोंट वरी, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड आउट एंड वट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, डिड वंडा हैव 100 ड्रेसेज, नो, डायरेक्टली नो, नो. वाई डिड वाई डू यू थिंक सी सेट सी डिड, क्यों कहती थी. अब यहाँ पर आंसर आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है. वैसे मैं बता देती हूँ, सी सेट सो बिकॉज शी वॉन्ट टू प्रूव हर सेल्फ कॉन्फिडेंट. एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूव करना चाहती थी. बिसाइड दैट शी वॉज हैविंग डिफरेंट डिजाइंस ऑफ ड्रेसेस इन हर माइंड. ये आपका बाद में जब चैप्टर पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ आएगा. नेक्स्ट, वाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क वंडा, बिकॉज शी वॉज पुअर हर सेल्फ. अब देखो मैडी को बुरा क्यों लगता था, क्योंकि वो खुद भी क्या थी, गरीब थी. इस ऑल्सो लाइक वंडा और शी डिफरेंट, नो शी वॉज डिफरेंट, डिफरेंट इन टू वेज. देखो हमने अभी बात करके आए हैं, दो तरीके से डिफरेंट. फर्स्ट, शी डिडंट लिव अप ऑन Bogan's हाइट, मीन्स वॉज नॉट अ पोलिश गर्ल. बिसाइड दैट शी वॉज नॉट हैविंग फनी नेम जस्ट लाइक वंडा पेट्रॉन्स की, उसके जैसा उसका फनी नेम भी नहीं था, तो वो उससे क्या थी, डिफरेंट थी. ओके बेटा, आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स अप टू नाउ एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन. यू विल वॉच दिस वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन. Thank you so much for watching this one.